हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राज ऑल ओवर स्टडी पर। दोस्तों आज हम देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि क्लास 10 के केमिस्ट्री का दोस्तों जो मैंने थ्योरी पढ़ा दिया है, तो उसका दोस्तों हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों पहले चैप्टर से बनते हैं वो सारा क्वेश्चन मैंने यहाँ दोस्तों लिया है। टोटल दोस्तों 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा। ये देखिए दोस्तों, पहला चैप्टर लिया मैंने, पहला चैप्टर ये है ना आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। 20 के 20 क्वेश्चन दोस्तों आप इसको कॉपी में लिख लीजिए रोक रोक के वीडियो, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने इसका थ्योरी पढ़ा दिया है। अगर आपने थ्योरी नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ आपको थ्योरी मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने फिलहाल क्वेश्चन आंसर बताया, आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दोस्तों है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देखिए इसका मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, इसको आप सिर्फ उतार लीजिए, इसको क्या कहते हैं सिर्फ आप उतार लीजिए इसको, क्योंकि इसका थ्योरी मैंने पढ़ा दिया, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, वहाँ मैंने समझा दिया, तो वहाँ आप जाकर दिए। इससे सिर्फ मैंने क्वेश्चन आंसर लिख दिया ताकि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैंने इसमें बताया, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। और ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन अभिकारक किसे कहते हैं, फिर अच्छे से समझाया भी है, प्रतिफल, फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये सारा दोस्तों आप मेरे चैनल प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ आपको थ्योरी मिल जाएगा। अगर ये थ्योरी आपको वहाँ मिल जाएगा, ये सब कैसे है, ऊष्माशोषी क्या है, ये ऊष्माक्षेपी क्या है, ये सब क्या है, ये सब आपको मेरे थ्योरी पर मिलेगा, इसलिए बोलता हूँ वो जाके आप देख लो, फिर ये क्वेश्चन उतार लेना। फिलहाल ये क्वेश्चन आप वीडियो रोक रोक के सारा क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। तो ये कितना क्वेश्चन हो गया, ये 5 क्वेश्चन हो गया। आप पहले छठा क्वेश्चन देखते हैं, छठा देखिए दोस्तों है, छठा है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। छठा क्या है हमारा, छठा है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, छठा ये है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसका आप देखिए डेफिनेशन लिख दिया है, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। और देखिए फिर सातवां है, सातवां मैंने बताया है निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, क्या संतुलित करें। अब संतुलित करना दोस्तों कैसे होता है, देखिए 5 लिए हैं, 1 2 3 4 5, ये पाँचों हैं। अब इन पाँचों को कैसे संतुलित करना, मैंने संतुलित कर दिया यहाँ पर, ये देखिए मैंने संतुलित कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये संतुलित अब कैसे होता है, ये अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने ये भी बताया कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है, ये भी मैंने बताया, ठीक है। तो वो भी जाके देखिए, तो आपको संतुलित करना आ जाइए। ये दोस्तों संतुलित करना दोस्तों ये आपका 1 से 2 नंबर का पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो इसको आप पांचों फिलहाल जो मैंने 5 संतुलित समीकरण लिया है, देखिए 1 है, कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मैग्नीशियम, HCl, हाइड्रोजन क्लोरीन, LCM, ये सब कैसे हुआ आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन लिया, आप इसको लिख लीजिए कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पदार्थों की भौतिक अवस्था, अगर पदार्थ ठोस है तो उसके लिए S लिखते हैं, ये सब सब बताया मैंने, ये सब सब बताया है। जैसे कि CO3 क्या है, सॉलिड है, उसके लिए सॉलिड दिए हैं। अगर पदार्थ द्रव है तो उसके लिए ये L देते हैं, लिक्विड भी द्रव होता है। अगर पदार्थ गैस है तो उसके लिए G देते हैं। अगर पदार्थ जलीय विलयन है तो उसके लिए AQ देते हैं, जलीय विलयन के लिए, ठीक है। तो इसको भी आप लिख लीजिए आराम से, ठीक है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है आपका उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखिए और उसका मैंने 6 एग्जाम्पल लिए हैं, आप 6 एग्जाम्पल में से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। और ये 8वां क्वेश्चन है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये भी आप रोक रोक के लिख लीजिए, ठीक है। इसका मैंने 4-5 से उदाहरण दिया है, आपको पूछेगा संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको आएगा कैसे, आपको आएगा संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये लिख के और बोलेगा इसका 2 उदाहरण लिखें। तो मैंने दोस्तों इसका 5-5 उदाहरण दे दिया है, आप इसमें से किसी 1-2 को लिख सकते हैं, ठीक है, 1-2 किसी को लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला ये देखिए और भी एग्जाम्पल मैंने इधर दिया, इसको भी लिख लीजिए। फिर वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वे भी ऐसे ही पूछेगा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके 2 एग्जांपल लिखें, ये भी एग्जांपल मैंने दे दिया। देखिए मैंने इसको थ्योरी करके समझाया है, इसको मैंने थ्योरी करके समझाया, ये सब भी मैंने अच्छे से बताया, ठीक है। ये सब कैसे हुआ, ये सब मैंने अच्छे से बताया है, ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। और इस अभिक्रिया को उसमें अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, उसमें अपघटन अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इस अभिक्रिया में जब भी हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें ऊष्मा की जरूरत होती है। यहाँ अभिक्रियाएँ CaCO3 क्या, संगमरमर चूना पत्थर है, इसको तो अभिक्रिया कराएं, तो देखिए यहाँ हम हीट का निशान दिए, क्या दिए हैं, हीट का निशान दिया, और ये टूटा, ये सब कैसे हुआ आप वहाँ जाके देख लीजिए थ्योरी, ठीक है, तब समझ में आएगा आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, और ये हमारा और उदाहरण मैंने 2 लिया है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का, फेरस सल्फेट का अपघटन, सबका मैंने अपघटन कहा, तो कोई आपको एक एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। अब विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन कैसे हुआ, किसी भी यौगिक द्रवित अवस्था या विलयन की अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर वह अपघटित हो जाता है, जिसे हम वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, इसका भी एग्जांपल लिया है। इसका भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और उसके 2 एग्जांपल लिखे, तो एक एग्जांपल लिया और एग्जांपल उधर दिया मैंने, ठीक है। तो देखिए एक एग्जाम्पल लिए, एक काम चलिए, यानी कि 3 एग्जाम्पल टोटल मैंने वैद्युत अपघटन का लिया है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, और देखिए दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है,
एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसे विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको मिल जाएगा विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं या एकल विस्थापन किसे कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, इसमें आप कन्फ्यूज नहीं होगा। इसका मैंने डेफिनेशन लिख दिया, इसका भी देखिए अच्छे तरह से ये समझाया है, ये कैसे हुआ COSO4, ये सब कैसे हुआ, ये फिगर सब, ये सब कैसे हुआ, ये सब मैंने समझाया, ठीक है। ये सब कैसे हुआ मैंने सब समझाया, ठीक है। और ये देखिए आप, फिर ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये भी मैंने समझाया है, यानी इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये भी पूछेगा द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका समीकरण लिखिए, तो इसका समीकरण लिखिए। इसमें क्या होता है, इसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान करते हैं, जो प्लस है वो माइनस को करेगा, जो माइनस है वो प्लस को करेगा, ऐसा मैंने दिया। इसका मैंने 3 से 4 एग्जाम्पल लिया है, 1 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल और ये 5 एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल लिया है। तो कोई आप 1 या 2 एग्जाम्पल, जितना एग्जाम्पल लिखने बोले उतना लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए 13वां क्वेश्चन, अवक्षेपण अभिक्रिया, 13वां क्वेश्चन अवक्षेपण अभिक्रिया, ये सब क्या होता है अवक्षेपण, तब से सब मैंने बताया। अवक्षेपण बेसिकली एक ठोस होता है, ठीक है, जो नीचे जम जाता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये क्या है उदासीनीकरण, इसमें क्या है वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ एक अम्ल है और एक भस्म है, ये दोनों जब अभिक्रिया करेगा तो लवण बना है और जल बना है, ठीक है। और देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ये भी आप लिख लीजिए नोट करके, इसका भी दे दिया मैंने किसे कहते हैं प्रकाश, ये भी देखिए। चलिए 15वां क्वेश्चन, टोटल मैंने 20 क्वेश्चन लिया है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको आप वीडियो को रोक रोक के लिख लो, अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, सारा मैंने लिखा है। सबके एग्जाम्पल भी 2 से 3 से 4 एग्जाम्पल दिया है मैंने, ताकि अब जो आपको एग्जाम्पल अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। 17वां क्वेश्चन था, अब ये 18वां क्वेश्चन, दहन किसे कहते हैं, ये भी आपका कई बार एग्जाम में पूछता है दहन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के सापेक्ष जलकर उष्मा और प्रकाश देता है तो उसे क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। जैसे कार्बन को जलाएंगे तो उष्मा और प्रकाश देगा, ठीक है। फिर दहन दो प्रकार के होते हैं, दहनशील या ज्वलनशील या अदहनशील। फिर उसके बाद आता है हमारा ज्वाला किसे कहते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप ज्वाला किसे कहते हैं, ये भी है, ठीक है, ज्वाला किसे कहते हैं ये भी मैंने बताया। फिर LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। LPG का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये होता है ना हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, द्रवीभूत पेट्रोलियम। तो इसका मैंने लिख दिया, देखिए मैंने इसके बारे में बहुत लिख दिया है, तो आप कोई से भी पॉइंट पूछे, ये लिख दिया ना, लिख दिया मैंने दोस्तों। देखिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का फुल फॉर्म, LPG में ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन होता है। LPG गैस गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन होता है। LPG का मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि जो LPG में जो क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, एथेन होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में ब्यूटेन रहता है। इसलिए दोस्तों आपको पूछे कि LPG का मुख्य अवयव क्या है, तो आप उसको ब्यूटेन बताइएगा, ठीक है। और दिया है LPG में एथिल मरकप्टन, एथिल मरकप्टन क्या है, ये भी मैंने आपको बताया अच्छे से वीडियो में। एथिल मरकप्टन गंधयुक्त गैस भरी जाती है, गंधयुक्त गैस है, जैसे कि गैस लीक होता है तो आपको पता चल जाएगा गैस लीक हो रहा है, तो वही एथिल मरकप्टन की, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने पहला चैप्टर का आपको 20 का 20 कंप्लीट क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है। आप इसको वीडियो को रोक रोक के एक एक क्वेश्चन को, यानी कि 20 क्वेश्चन को लिख लो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं अगला बताऊँगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।